आज हम दिखा रहे हैं आपको दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 की एयरलाइंस कॉलोनी में रहने वाली एक गृहिणी की प्रेरणादायक यात्रा। ये कहानी है श्रीमती शकीला कुमारी जी की, जो 62 साल की एक समर्पित गृहिणी हैं और घरेलू जीवन की चुनौतियों से बाकी महिलाओं की तरह लड़ती आई हैं। ये तेज चाल और चेहरे पर सुकून जो आज दिखाई दे रहा है, वो 3 साल पहले नहीं था। उस समय ना तो ये इतना तेज चल पाती थी और ना ही जीवन में सेहत का सुख था, क्योंकि इनके घुटनों ने जवाब दे दिया था। मेरे घुटने में पेन था, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं होती थी, 10 कदम भी नहीं चल पाती थी उस समय। कोरोना जब हुआ उसके बाद मैं घर में रह गई, टहलना बंद हो गया। एक दिन क्या हुआ कि ज्यादा चल लिया कोरोना के बाद, 4-5 किलोमीटर, उसके बाद से शुरू हो गया घुटनों का दर्द। शकीला कुमारी जी की स्थिति में सुधार तब आना शुरू हुआ जब इन्होंने हकीम सुलेमान खान जी का गोंसिया खाना शुरू किया और 20 से 25 दिनों में ही आराम मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे दर्द कम होने के साथ साथ उनकी गतिविधियों में भी सुधार आने लगा और 5 से 6 महीनों में आराम मिल गया, क्योंकि उन्होंने दर्द को मात देने की ठान ली थी। मुझे एक ही विश्वास था कि मुझे ठीक करना है, चाहे जैसे भी हो, हकीम साहब का दवा खाऊंगी, अब मुझे ठीक होना है। ऑपरेशन का तो कभी सोची भी नहीं। गोंदसिया खाने के बाद देखे हैं कि इसके बाद ये करीब करीब लगता है कि पहले जैसे हो गई है, इसलिए हमको बहुत खुशी है। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो लोग खास करके जो घुटने के दर्द से जो लोग परेशान हैं, वो जो है सो ये गोंदसिया को लें और अपना ठीक करावें। उन्होंने हर दिन एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की और यही उनकी जीत की शुरुआत थी। इस प्रेरणादायक कहानी के साथ याद रखें कि आप भी अपनी समस्याओं को मात दे सकते हैं, बस हिम्मत न हारें और खुद पर विश्वास रखें। शकीला जी की यही प्रेरणा देने वाली कहानी देखने हम दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में इनके घर एयरलाइंस कॉलोनी पहुंचे। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, अच्छा है। आप कैसी हैं? अच्छी हूं। चलिए आपके साथ मैं भी टहल लेती हूं थोड़ा। चलिए चलिए चलिए, आपके दोनों के साथ ये मुझे वॉक करने का मौका मिला है। तो कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ। अच्छी हैं जी। अच्छी। ये जो टहलने का आपका रहता है जी, कितना टहल लेती हैं आप? और ये रोज ही आप निकलते हैं दोनों? रूटीन बना हुआ है, मैं हर रोज टहलती हूँ शाम में। कितना टहल लेती हैं बताइए? मैं करीब करीब 4 किलोमीटर तो मैं हर दिन टहलती हूँ। 4 किलोमीटर जी। तो उम्र क्या है आपकी? 62। अच्छा अच्छा, परेशानी क्या थी मैम ये बताइए? मेरे घुटने में पेन था। अच्छा, घुटने में पेन जी था। जी, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं होती थी। और तो अभी तो मैं दौड़ भी सकती हूँ। दौड़ भी सकती हैं। देखिए मैं आपकी रफ्तार भी यहाँ पे देखना चाहूँगी, आपके साथ साथ मैं भी उतनी ही रफ्तार में यहाँ पे चलूँगी। लेकिन ये बताइए मुझे, आइए इधर आ जाइए, हमारी वजह से बाकी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मैं आप दोनों को अभी बहुत तकलीफ देने वाली हूँ। अच्छा ये बताइए, जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द की परेशानी हो गई थी, क्या इसी तरीके से आप पहले टहल पाती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ये तो आपकी रोज़ की आदत है, लेकिन जी रोज़ की आदत अगर छूट जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है? तकलीफ़ तो बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, तकलीफ़ बहुत होती है। लेकिन मेरे को एक ही उम्मीद था कि मैं ठीक होऊंगी, मुझे मतलब कि ठीक होना है, मैं सोच ली थी। कब थी आपको ये तकलीफ? करीब 3 साल पहले। करीब 3 साल पहले आपको तकलीफ थी। और आपको आराम कब मिलना शुरू हो गया? दवाई कौन सी ली आपने? गोंसिया। गोंसिया मैं दवा ले रही हूँ, अभी भी ले रही हूँ, और हर दिन लेती हूँ गोंसिया दवा। जैसे आप चल के आ रही थी तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी आपको देख के भी और सर को देख के भी। अब ये बताइए कितने दिनों में आपको आराम मिल गया? करीब 6 महीना दवा लगा हुआ। मैम चले फिर, कितनी रफ्तार से आप टहलती हैं मैम। और क्या कुछ परेशानी आपको होने लगी थी? क्योंकि देखिए जब आपका चलना मुश्किल हो गया था तो यकीनन घर पे बैठ पाना बहुत मुश्किल होता है। जी परेशानी तो मेरा 15 से 20 दिन हुआ, समझे ना, करीब 20-25 महीना दिन में मैं ठीक हो गई, करीब करीब चलने लायक। और उसके बाद दवा मैं लेती रही, अभी तो मैं बहुत ठीक हूँ, अभी तो कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन मैं रूटीन से वॉक करती हूँ, रूटीन से मैं टहलती हूँ, वो योगा प्राणायाम मेरा रूटीन का हिस्सा है। तो देखिए आपने कहा कि आप योगा प्राणायाम भी करती हैं, आप चल भी लेती हैं, और इतना मतलब आप इतना किलोमीटर चल लेती हैं कि कोई नौजवान होगा अगर मैं उससे आज की डेट में कहूँ कि चलिए इतनी, तो वो चल नहीं पाएगा। जी जी, आप उनको भी मात दे देंगी। जी जी, मैं तो
बताओ सेक्टर 19 से एयरलाइंस अपार्टमेंट पैदल भी कई बार आई हूँ। अरे बाप रे बाप। सेक्टर 19 है ना अमराही, अमराही से मैं यहाँ बहुत बार पैदल आई हूँ, गई भी हूँ मैम। ये जी आना जाना दोनों। अच्छा हाँ, तो ये मतलब पैदल क्यों आना चाहती थी आप क्या जी? मुझे शुरू में तो टहलना अच्छा नहीं लगता था लेकिन आदत बन गया ना, तो मैं चाहती थी कि टहल ताकि पैर मेरा घुटना सही रहे। चाहती तो मैं ऑटो कर सकती थी, आ सकती थी, लेकिन मन था कि पैदल ही चलूँ। तो सेक्टर 19 से अमराही 19 से मैं यहाँ 23 पैदल आई हूँ, सुबह में जब फ्लैट बन रहा था तो आसाम में पैदल गई हूँ। और पहले जब आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मैम, जिसमें आप उठ बैठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, तो क्या इतनी दूरी भी तय करना आपके लिए मुमकिन था कि आप सेक्टर 19 से 23 तक आ जाएं? जी नहीं नहीं, मैं तो पूरा कैंपस में भी नहीं टहल पाती थी। हाँ, नहीं, बहुत दिक्कत होता था। अब तो आदत बन गया है, जब नहीं टहलूंगी तो लगा कि कुछ छूट गया है। आपके पैरों में जो ये ताकत आ गई है एक बार फिर से, तो किस औषधि ने आपको ये ताकत दी? तो गोंसिया तो है ही, और साथ मेरा प्राणायाम योगासन भी है मेरा। चाहे लेट जितना भी लेट हो जाए लेकिन मैं करती हूँ प्राणायाम योगासन, ये भी मेरा रूटीन का है। और दवा एगोंसिया तो है ही। तो आप दोनों में से कौन सबसे तेज चल लेता है ये बताइए मुझे। ये चलते हैं। अच्छा रॉय साहब चल लेते हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि आप ज़्यादा तेज चलते हैं। लेकिन जब जब इनका तबीयत खराब था तब मैं ज़्यादा चलती थी। अच्छा तो आप लोग कभी कॉम्पिटिशन नहीं करते कि आज देखते हैं कि हम में से कौन सबसे तेज चलता है? जब मैं 19 से आती थी ना उस समय मैं आगे चलती थी, पीछे हो जाते थे। जब आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी घुटनों में, तो आप कितने कदम नहीं चल पाती थी और अब आप कितना चल सकती हैं ये मुझे तो देखना है। कदम भी नहीं चल पाती थी उस समय, अभी तो मैं 3-4 तेजी से चल सकती हूँ। अच्छा ज़रा चल के दिखाइए हमें। तो देखिए ये रॉय साहब की धर्मपत्नी हैं जो चल रही हैं बहुत अच्छे से, और इनकी ये आदत है, देखिए डेली रूटीन में है, और इनकी उम्र है 62 साल। 62 साल में अपने आप को खुद को फिट रखती हैं, और इनकी ये उम्मीद रही है कि मुझे बस ठीक होना है। और दोनों देखिए आपस में कंपटीशन भी करते हैं कि हम में से कौन तेज़ चलेगा। मैम ने कहा कि जब सर की तबीयत थोड़ी सी ढीली हो जाती है तो वो मेरे पीछे रह जाते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि उनसे ज़्यादा तेज़ सर चल लेते हैं। लेकिन देखिए यही कॉम्पिटिशन होता है, एक उम्र होती है जहाँ पर अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी पर निर्भर ना हो ये बहुत ज़रूरी है, और एज फैक्टर भी होता है। लेकिन आपको देख के हमारे जो यंगस्टर्स हैं और जो आपकी उम्र की महिलाएं हैं, वाकई में आप उनके लिए प्रेरणा बनने वाली हैं। तो कितना अच्छा लगता है कि इतनी तेज़ चल लेती हैं, इतनी फिट हो गई हैं, घर का काम सारा खुद कर लेती हैं, और किसी की ज़रूरत ही नहीं है अब आपको। जी अभी तो मेरे पास मेड भी नहीं है, मेड भी गाँव चली गई है, 15 दिन हो रहा है उसका। मैं पूरे हर चीज़ झाड़ू पोछा पूरा खाना वाना सारा चीज़ मैं खुद करती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अपनी उम्र की जब औरतों को देखती हैं घुटने पकड़ के बैठी रहती हैं, काम नहीं कर पाती हैं। अच्छा जिस पार्क में हम अब इस वक्त हैं यहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएं आती होंगी जिन्हें आप करहाती हुई देखती होंगी, परेशान देखती होंगी, ऑपरेशन तक करा लिया होगा, तो उन्हें देख के कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि हो जाती है कि भाई मैं तो ठीक हूँ। जी जी जरूर जरूर लगता है कि मैं तो भाई ठीक हूँ, मैं दवा खा रही हूँ, दवा का असर है, और मेरा योगा प्राणायाम ये सब टहलना ये सब साथ में है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। किसी को देखती हूँ उस पीड़ा में तो बहुत ख़राब लगता है। चलिए रॉय साहब से हम बात कर लेते हैं, उनकी धर्मपत्नी को तो हमने काफ़ी दौड़ा लिया चलवा लिया, और देखिए आपके सामने हैं 62 साल की मैम, और भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है उनकी, और कोई चेंजेस उनकी ज़िंदगी में नहीं आए, बस वो कुछ वक्त था जो उनके लिए काटना मुश्किल था। आज देखिए टहलती हैं वो बहुत अच्छे से, और मैं सेक्टर 23 में हूँ द्वारका के, ये सेक्टर 19 से 23 तक पैदल आती थी और पैदल जाती थी। रॉय साहब वाकई में मतलब आपकी धर्म पत्नी तो मैं क्या बोलूँ कि मेरे सामने ऐसा यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है जिसको यकीन कर पाना देखिए तब तक मुश्किल था जब तक मैं आप लोगों से मिली नहीं थी। शुरू में जो इनका दर्द बढ़ गया था ना तो हम लोग भी चिंतित थे कि मैंने एक तो मैंने बहुत परेशानी हो जाएगी, लेकिन गोंद सिया खाने
के बाद, और हमको लगता है कि एक डेढ़ साल छः महीना में तो ठीक हो गई थी, उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू करते रहे हैं और देखे हैं कि इसके बाद ये करीब करीब लगता है कि पहले जैसे हो गई है, इसलिए हमको बहुत खुशी है। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि ये भी चाहती हैं कि जो लोग खास करके जो घुटने के दर्द से जो लोग परेशान हैं वो जो है सो ये गोंद सिया को लें और अपना ठीक करावें। बिल्कुल, देखिए लोग अपनी धर्म पत्नी को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं, पति को ठीक रखना चाहते हैं, एक दूसरे का सहारा बन के रहते हैं। तो जब मैम इतनी फिट दिखती हैं और बाकी लोगों को आप भी परेशान देखते ही होंगे, कोई अपनी कोई तकलीफ बताता होगा मेरी धर्म पत्नी को ये है वो है, तो अपनी बीवी को देख के तो वाकई में आपका सीना चौड़ा हो जाता होगा कि क्या भागती हैं ये, क्या चलती हैं। मैं जब इनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत तकलीफ में था और सोच रहा था कि ये जो ट्रांसप्लांट वगैरह की बात होगी तो और परेशानी होगी, और अभी 90% ट्रांसप्लांट भी सक्सेस नहीं हो रहा है, तो हमको ये लग रहा था कि कहीं घुटने का प्रॉब्लम हो गया तो ये तो चल नहीं पाएगी, लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गोंद सिया। तो मैम की परेशानी तो मैंने यहाँ पे जान ली, लेकिन आपको भी परेशानी रही, आप भी हकीम साहब से जुड़े रहे, तो आपने किन किन चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट लिया? तो डायबिटीज और ये ब्लड प्रेशर के लिए तो मैंने जो है जैतून का सिरका लिया, और हमको ये नहीं लगता है कि हमको कोई मान लीजिए ब्लड प्रेशर या मैंने डायबिटीज है। इसके अतिरिक्त भी जो है सो प्रॉब्लम आया था वो किडनी का, खास करके जो प्रोटीन वाला, तो वो मैंने वो क्या कहते हैं कि अलसी और ये जैतून का नमक लेकर के उसको मैं ठीक कर लिया हूँ। अभी थोड़ा पस आ रहा है, उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा क्योंकि उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप दोनों वैसे साथ आ जाइए तो ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है हकीम साहब से जुड़ के, ये बता दीजिए बस मुझे। बहुत आसान हो गई, बहुत आसान हो गई। लगा था कि ये मैंने दवा खाते खाते ज़िंदगी जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, बिना दवा के भी ज़िंदगी और नुस्खा से भी मैंने हम लोग अपना ज़िंदगी को आराम से जी सकते हैं। ज़िंदगी लंबी हो ये आवश्यक नहीं है, ज़िंदगी हेल्दी हो, तो वो जो है सो लगता है कि ये हकीम साहब से जुड़ने के बाद हम लोग को हो गया है कि ज़िंदगी जितनी भी होगी हेल्दी होगी। बिल्कुल, तो आप दोनों के चेहरे की मुस्कान ऐसे ही बरकरार रहे, लेकिन आपके अब घर तक मैं जाना चाहूँगी, वहाँ पे आराम से बैठ के मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, तो चले फिर आपके घर चलिए। दर्शक आप लोगों को भी लेके चलते हैं रॉय साहब के घर तक। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे परिवार से जुड़ने के लिए और मुझे अपना वक्त देने के लिए। जी तो सर रॉय साहब, आपसे मेरा पहला प्रश्न यही है कि आपको परेशानी क्या थी, हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ? एक्चुअली मेरी जो शुरुआती जो परेशानी हुई वो हुआ मेरा डायबिटीज़। मैं जब जमशेदपुर में था तो पोस्टेड था उस समय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो हमको डायबिटीज़ मैंने मैं आ के चक्कर में आ गए, तो डायबिटीज़ के उसके बाद वहाँ हम लोगों ने डॉक्टर से मिला, दवा के लिए अंग्रेज़ी दवा ले रहे थे उसके साथ, लेकिन वो डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी इफ़ेक्ट आया, और वो दोनों ये जो बीमारी थी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वो मैंने फ्लक्चुएट कर रहा था दवा लेने के बाद भी, तो फ्लक्चुएट कर रहा था, तो वो एक मेरे लिए परेशानी थी। और हमको ये पता था कि ये जो यदि आगे बढ़ेगा या कंट्रोल में नहीं रहेगा तो मेरा किडनी और लीवर ख़राब होगा, तो इसके लेकर के मैं ये सर्च में ही था, तो मैं यूट्यूब में देख रहा था तो हकीम साहब का जो है सो यूट्यूब में जो प्रोग्राम आता था, तो उन्होंने ये बताया कि आप यदि ये क्या कहते हैं जैतून का सिरका लेते हैं तो आपका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों पर कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने वो जैतून का सिरका मंगवाया, मंगवाने के बाद वो 2 चम्मच दिन में और 2 चम्मच रात में खाना खाने के बाद लेना शुरू कर दिया, तो उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल होता रहा। इस बीच में क्या हुआ कि 18-19 में हमको ये पेशाब की मैंने जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, रात में इसमें सोता था तो 4-5 बार पेशाब जाना करना पड़ता था, तो मैंने उसका टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड इत्यादि करवाया, तो पता चला कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो यूरिन में प्रोटीन को फिर मैंने ये मैंने यूट्यूब में हकीम साहब को मैंने का प्रोग्राम देखना शुरू किया, और उसमें दोनों मैंने उनके प्रोग्राम में ये दोनों
जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताए, उन्होंने बताया ये ब्लड ये प्रोस्टेट के लिए कि आप लाजवंती है ना अलसी का हम मैंने अमाउंट में जो है सुमिश्रण बना करके उसको एक चम्मच ले और उसमें एक एक चुटकी नमक जैतून एक गिलास पानी में ले करके उसको पिए तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। तो मैं बहुत दिन से मैंने पीना शुरू किया, पीना शुरू होने के बाद फिर हम टेस्ट करवाए यूरिन का, तो उसमें क्या हुआ जैतून ये जो प्रोटीन का जो ये क्वांटिटी जो आ रहा था वो जो है सो आना बंद हो गया और मेरा सारा चीज़ जो मैंने किडनी और लीवर का था वो ठीक ठाक हो रहा है। उसके बाद मैं इसके लिए मैंने प्रोस्टेट के लिए हकीम साहब का एक नुस्खा हम देखे, उसमें उन्होंने बताया था कि लाजवंती उसके बाद अलसी और ये क्या कहते हैं धनिया हम वजन ले करके उसको एक चूर्ण बना लें, चूर्ण बना करके एक चम्मच मैंने चूर्ण और एक चुटकी नमक जैतून एक गिलास पानी में ले करके पिएंगे तो दो टाइम पिए तो ये भी बहुत ज़्यादा बहुत हद तक मैंने आपका कंट्रोल में आ जाएगा। तो मैं वो तब से कर रहा हूँ और अभी दोनों चीज़ करीब करीब मेरा कंट्रोल में है। मैम आपने किस परेशानी के लिए हकीम साहब की कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया? जी मैम मेरे को घुटने में पेन था तो मैंने हकीम साहब का यूट्यूब पर देखी थी गोंसिया, तो मैं गोंसिया लेना शुरू किया। आज मैं चल लेती हूँ 4-5 किलोमीटर। कितने टाइम पहले ये दर्द हुआ था आपको? करीब 1 साल से ऊपर हो रहा है। हुआ कैसे था? कोरोना जब हुआ उसके बाद मैं घर में रह गई, टहलना बंद हो गया। उसके बाद मैं एक दिन क्या हुआ कि ज़्यादा चल लिया कोरोना के बाद 4-5 किलोमीटर, उसके बाद से शुरू हो गया घुटनों का दर्द। उसके बाद करीब करीब 15-20 दिन बहुत ज़्यादा परेशानी रहा हमको, तो फिर मैंने गोंसिया लेना शुरू किया तो ठीक है। तो गोंसिया आपने कब तक लिया? गोंसिया तो 1 साल से ऊपर हो गया है लेते हुए, अभी भी मैं ले रही हूँ। वैसे कोई परेशानी है नहीं लेकिन ले रही हूँ। जब आपको घुटनों का दर्द शुरू हुआ मैम, तो देखिए आप एक तो चलने फिरने की शौकीन रखती हैं, यानी आपका डेली जो रूटीन में आपका घूमना फिरना है, ठीक है, आप अच्छा खासा चल लेती हैं। जब आपको ये परेशानी हो गई तो मन में कैसे ख्याल आने लगे थे? क्या ठीक होना मुमकिन है आपका या फिर कहीं डॉक्टर ऑपरेशन ना बोल दे? तमाम ख्याल आते हैं। मुझे एक ही विश्वास था कि मुझे ठीक करना है, चाहे जैसे भी हो मुझे ठीक होना है। हकीम साहब का दवा खाऊंगी अब मुझे ठीक होना है, ऑपरेशन का तो कभी सोच ही भी नहीं। मेरा निगेटिव सोच नहीं रहता है, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ अभी तक। फिर आपने हकीम साहब की दवाई पे कैसे विश्वास रखा ये बताइए। विश्वास तो था उनका, पता ना क्यों उनका जब यूट्यूब में देखती थी ना तो उनको जो चेहरे को देखती थी ना तो लगता था कि सच्चे आदमी है, जो बोला है सही बोल रहे हैं, तो उन पर हमको विश्वास खुद ही हुआ। एक्चुअली हकीम साहब का जो तरीका है तो वो तरीका कोई पैसा कमाने का तो है नहीं, तो एक आज के ज़माना में तो ये बहुत मुमकिन से ऐसे लोग मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं कि वो सब यदि आज एलोपैथिक का भी डॉक्टर है, होम्योपैथिक का भी है, आयुर्वेद का भी है, यूनानी का भी है, तो वो हर तरीका से कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहता है। और हकीम साहब को देखते हैं कि पहले वो नुस्खा बताते हैं कि देखो ये काम करो इससे तुम ठीक हो जाओगे, नहीं होगा तब ये लेना। वो कभी भी अपना दवा को बेचने के लिए प्रक्रिया में नहीं रहते हैं, वो चाहते हैं कि जो किचन को आप दवा खाना मानो और वहाँ से जो सामान है उसको ले करके अपना रोग का इलाज करो। तो ये लोगों को एक पढ़े लिखे लोगों को खास करके बहुत आकर्षित करता है आज के ज़माना में। ये जो बिजनेस है मेडिकल साइंस का जो मैंने सीधे चाहता है कि लोगों से पैसा खींच लें, है ना, वो ठीक हो या नहीं हो वो सेकेंडरी है। और हकीम साहब का है कि पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए, नहीं पैसा लगे तो और अच्छा है और मिनिमम पैसा में ठीक होना चाहिए। ये जो उनका एक व्यक्तित्व आकर्षण करता है, हर पढ़े लिखे लोगों को आकर्षण में ले आता है। ये कम लोग अभी, हमको तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान में शायद उनके अतिरिक्त कोई एक आदमी होगा जो इस तरह का काम करता हो, है ना, एक मन करते हैं और पिल लेकर करते हैं, है ना। अभी जैसे हम लोग का पेट का कोई प्रॉब्लम था तो उन्होंने कहा कि आप सौंफ सौठ जीरा अजवाइन धनिया मेथी का चूर्ण बनाओ और उसको मैंने खाओ, तो हम लोगों ने क्या किया कि 15 दिन दोनों मिलकर के उसका ये चूर्ण का
काढ़ा बनाकर पीना शुरू किए। अब बताइए कि हमको भूख इतना जोर लगने लगी तो तबाह है कि इतना किसे खा लेते हैं। ये जो मुँह जबानी है, आपको इतने सारे नुस्खे याद है सर? मैं क्या करता हूँ, जब मैंने यूट्यूब देखता रहता हूँ तो आप लोगों का भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप मैंने पेपर पेन पेपर को लेकर रखिए, तो जो चीज़ याद करने लायक रहती है तो याद हो गया। लेकिन आप जैसे पाँच अच्छा आइटम बता रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ उसको लिख लेता हूँ, एक डायरी रखता हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो डायरी रखता हूँ। चलिए, आपने तो अपनी डायरी मेंटेन कर ली है, आपका जो परिवार है वो भी हकीम साहब की दवाइयाँ नुस्खे अपना रहे हैं, तो क्या ये नुस्खे बाहर तक भी पहुँच रहे हैं? हाँ जी, मैं अपने फ्रेंड सर्किल्स में कोशिश करता हूँ देने का, और इसमें मैंने दो तीन जगह बहुत दो प्रोफेसर को, दो इंजीनियर्स को मैंने दिया जो अपने हमको बैचमेट हो गए थे, तो उनका था नी का प्रॉब्लम, तो गोंद सिया आप लोगों के यहाँ से मंगवाया और वो खाए। एक थे जो वो लंगड़ा कर चलते थे, हमारे ही उम्र के थे, लंगड़ा के चलते थे, पटना में थे, तो उनको मैंने पूछा कि भाई आपको क्या दिक्कत है, तो बोला कि नी का प्रॉब्लम है और मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि यदि हो सकता है कि नी ट्रांसप्लांट कर रही। तो देखिएगा, हसीम साहब कहते हैं कि नी ट्रांसप्लांट एक लास्ट सोल्यूशन है, इट इज़ नॉट दी मैंने फर्स्ट सोल्यूशन। तो हमने कहा कि भाई आप तो दवा आप ट्रांसप्लांट कर लेना, लेकिन आप ऐसा करो कि एक दवाई लेकर देखो, ये कुछ नहीं है। वो इंजीनियर थे तो समझने में उनको दिक्कत नहीं हुई। हम कह लिए ये क्या है कि एक वृक्ष का गोंद है, गोंद सिया करके, अब कुछ है नहीं, वृक्ष का गोंद खाना है, नेचुरल चीज़ है, हार्म नहीं करेगा, अब खा कर देखो। तो मैं एड्रेस दिया, वो मंगवाए गोंद सिया, अब खाए। तो मेरा एक दोस्त है, वो डॉक्टर हैं अपने MBBS MS हैं, वो बंगाल में रहते हैं, तो उनको लड़का का उम्र एज 18-20 साल का लड़का था उसका, ये वेट करके और 100 किलो हो गया था, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, है ना। और अपने डॉक्टर थे खुद का, लेकिन चाहते थे कि वेट को कम करवाएं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा था क्योंकि वो लोग नॉन वेज बहुत खाते थे। तो हमारे संपर्क में आए तो वो लोग भी आपका ये क्या कहते हैं जैतून का सिरका वगैरह ले रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि तुम एक काम करो कि तुम ये नमक जैतून और खाने वाला सोडा, है ना, एक एक चुटकी एक गिलास पानी में लो, दिन में दो बार लो, दो बार लेने के बाद आँख बंद करके 3 महीना लो, 3 महीना में करके उनका 15 किलो वेट घट गया, 15 किलो वेट घट गया। अरे मैंने दिस द बॉयज मैंने वेरी मैंने हेल्दी हेल्दी मोमेंट। तो ये जो डायरी आप के हाथ में है जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे नुस्खे आपने रॉय साहब लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे नुस्खे बता दीजिए हमें जो आप काफ़ी फॉलो भी करते हैं, लोगों तक भी पहुँचाते हैं। हाँ, तो उसमें जैसे कि अभी बाल का प्रॉब्लम बहुत है, केस झड़ने का और केस जो है सो मान लीजिए मैंने ब्लैक वाइट हो रहा है कम एज में, तो उन्होंने ये हकीम साहब का एक नुस्खा है कि आप इसका नारियल का पानी में एक चुटकी जो है सो गोंद मोरिंगा लेकर के खाओगे तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, तो मैं वो भी शुरू कर दिया हूँ। मैं दोनों आदमी जाता हूँ, डेली जो है सो नारियल पानी लेता हूँ और गोंद मोरिंगा जो है सो एक चुटकी खाता हूँ, तो ये है। और जैसे सर्दी खांसी वगैरह का जो नुस्खा है तो आम चलता रहता है, लेकिन मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम है ये ज़्यादा है कि नी का प्रॉब्लम बहुत लोगों के ऊपर है, तो उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि इसको जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दें। दूसरी बात है कि डायबिटीज़ और ये BP, ये जो दो बीमारी आम होती चली जा रही है, तो मैं उसको मैं चाहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि तुम जो दवा खाते हो खाते रहो, इसको बंद मत करना, और तुम करो कि ये आपका जैतून का सिरका खाना शुरू करो, तुमको क्या होगा कि दवा खाने से जो साइड इफ़ेक्ट है वो साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, जो बहुत ज़्यादा है अभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और दूसरी बात है कि आपका BP और शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो ये मैं काफ़ी लोगों को बता रहा हूँ और ये काम मेरा चल रहा है। नमक जैतून है, ठीक है, ये नमक जैतून आप ले रहे हैं जी। और इसके अलावा? इसके अलावा है ये लई MCARE। तो दर्शक देख सकते हैं ये नमक जैतून ले रहे हैं रॉय साहब, और साथ ही साथ ये क्या है MCARE ले रहे हैं। ये MCARE कौन ले रहा है? हम ही ले रहे हैं जनरल स्वास्थ्य के लिए, ये PCARE भी आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैतून का सिरका जी, तो जैतून का सिरका काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए हुआ है। तो ये सभी चीज़ें जी। तो रॉय साहब, और ये भी है गोंद मरिंगा भी है, वो रखा हुआ पाउडर, वो पाउडर है रखा हुआ।
बहुत अच्छा लगा सर कि ऐसे ही आप हकीम साहब से जुड़े रहिएगा, ऐसे ही आप और लोगों की भी मदद करते रहिएगा। तो आप दोनों ने अपना वक्त मुझे दिया, आप लोग ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब हम आपको भी धन्यवाद है कि आप हमारे यहाँ आए। तो दर्शकों देखिए आज की कहानी रॉय साहब के परिवार की हमने पहुंचाई आप तक। तो ऐसे ही ये सच्ची कहानियां हम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग भी रखिए अपना ख्याल। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।